Assalamu alaikum students, how are you all? I hope all of you will be fine. Okay students, आज हमने example number 6.2 करनी है, ठीक है? कल तक हमने example ये topic kinetic energy का discuss किया था, आज हमारी example इसकी 6.2 है. A stone of mass 500 grams strikes the ground with a velocity of 20 meter per second. How much is the kinetic energy of the stone at the time it strikes the ground? ठीक है? एक stone है, उसका mass कितना है? 500 gram है, और वो strikes the ground, ठीक है? वो ground, ज़मीन को, मतलब ground को टकराता है, कितनी velocity से? 20 meter per second, ठीक है? How much is the kinetic energy of the stone at the time it strikes the ground? जिस टाइम पे वो जो स्टोन है ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे आके गिरता है, ठीक है, उसको उसके साथ टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो उस पे आपके पास उस टाइम उस स्टोन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सबसे पहले गिवन देखें क्या क्या मास आपके पास गिवन है. 500 ग्राम, ठीक है, एम इज इक्वल टू मास कितना है? 500 ग्राम. ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. ठीक है, तो इसको 500 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 के आपके पास केजी क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा इन किलोग्राम. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड. ये देखें, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है. आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², जैसे हमने ये कल डिस्कस किया था. ये देखें, 1/2 mv². ठीक है, वैल्यूज पुट करें 1/2 एज इट इज आ जाएगा. एम की जगह पे कितना था? 0.5 kg. मास कितना था? ये देखें, 0.5 kg. ठीक है, एम की जगह पे 0.5 लगाया, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है. ठीक है, आप क्या करें, कैलकुलेशंस करें, 20 का स्क्वायर लेंगे तो वो 400 आ जाएगा. ठीक है, 400 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उस पर 2 को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 100 जाउल आएगा. ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. ठीक है, तो क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100 जाउल, मीन्स कि जब वो स्टोन जो है वो उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, ग्राउंड के साथ टकराया, तो उस वक्त स्टोन की एनर्जी कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी 100 जाउल थी. दैट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज 100 जाउल एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. ठीक है, कि जैसे ही इसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 100 जाउल थी. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमने अभी इसके साथ हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.1 देखें आप. ये देखें, न्यूमेरिकल नंबर 6.1 है हमारा. ठीक है, अ मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन. ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन. क्या कह रहे हैं कि एक आदमी है, उसने कार को पुल किया और कितने मीटर से कितना डिस्टेंस कवर किया? 35 मीटर का. ठीक है, अप्लाइंग का फोर्स ऑफ 300 न्यूटन. फोर्स कितनी लगी? 300 न्यूटन की फोर्स लगी. डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है आपके पास, न्यूटन फोर्स भी लग रही है. फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, मैन ने कितना वर्क डन किया आपने वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, अच्छा जी बच्चों, देखिए इसमें से आपके पास क्या क्या गिवन है. F इज इक्वल टू 300 न्यूटन. ये देखें, फोर्स कितनी है? इसे बताया है 300 न्यूटन फोर्स उसने लगाई थी. ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर किया था? डिस्प्लेसमेंट 35 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कवर कितना है? 35 मीटर. ठीक है, फाइंड आपने क्या करना है? फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है. ठीक है, मीन्स W आपने कैलकुलेट करना है. आपको पता है वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? F इंटू S. ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमने ये किया ना टॉपिक में, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए. ठीक है, F इंटू S, फोर्स कितनी है? 300 न्यूटन. ठीक है, ये लगाया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, S कितना है? 35 मीटर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1500 जाउल जो हो जाएगा वो वर्क डन आ जाएगा. वर्क डन जाउल में होता है ना. ठीक है, तो वर्क डन कितना है? 1500. मीन्स कि मैंने कितना वर्क डन किया है? 1500 जाउल का उसने वर्क किया है. ठीक है.